दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के लूकरगंज स्थित पहलवान वीर बाबा मंदिर। जैसा कि आपको बता दें कि ये है पहलवान वीर बाबा मंदिर और दोस्तों आज यहाँ पे हो रही है दुर्गा जी की स्थापना। तो दोस्तों बस कुछ ही पल में यहाँ से शोभा यात्राएं निकल रही है, इसके बाद यहाँ पे होगी दुर्गा जी की स्थापना। तो आइए हम आपको सबसे पहले मंदिर का दर्शन करवाते हैं, इसके बाद ले चलते हैं उस शोभा यात्रा में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह है पहलवान वीर बाबा का मंदिर, और आइए हम आपको मंदिर दिखाते हैं जो कि इन्हीं के प्रांगण में ही आज दुर्गा जी की जो स्थापना हो रही है आज सब इन्हीं की कृपा से हो रही है। तो दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं। तो ये है पहलवान वीर बाबा का मंदिर, ये लूकरगंज के पहलवान साहब बाबा के सामने ही माता का स्थापना हो रहा, सारी प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के सामने ही हो रहा है और ये भगवान सारे गण बैठे हुए हैं, संसार के सारे देवता हैं और जिसमें कि यहाँ सभी विराजमान हैं इस समय। माता काली वटवासिनी के नीचे जो रहती हैं और ये श्री राम लक्ष्मण, ये लक्ष्मी गणेश सरस्वती मातेश्वरी हैं और ये हैं श्री रामचंद्र भगवान जी जो अयोध्या से संसार के ये राजा पूरे स्वयं परिवार के साथ बलि कपि बलवंता हैं जो इस मंदिर के रक्षक हैं। ऊपर ध्वजा से लेकर और मंदिर के प्रांगण तक ये रक्षा करने वाले सारे भगवान, सारे चारों युगों के महाराजा। और ये श्री शंभु भोलेनाथ हैं, काशी विश्वनाथ के साथ साथ शेष नाग भी हैं और माँ नंदी देव भी हैं और माता भी हैं पार्वती मातेश्वरी। माता जब भ्रमण करके आएंगी तो उनके बाद यहाँ स्थापना किया जाएगा, जो हमेशा के लिए यहाँ माता बैठ जाएंगी, जिनकी भी मनोकामना यहीं से पूरा करेंगे वो। और उसके बाद यहाँ से ये मंदिर का ये दोनों इसे सिंह महाराज, जिनको श्री हरि विष्णु भी कहते हैं और सिंह देव भी कहते हैं, नरसिंह देव भी कहते हैं, तो उनके साथ साथ यहीं से वो रक्षक दोनों बाहर खड़े हो जाते हैं और यहाँ से मंदिर का सारा कुछ। हाँ, ये बाबा का पहलवान साहब का ये माता का रूप है और इन माता, ये माता अभी अचानक भ्रमण छोड़ के और यहाँ आ गई अपने मंदिर को देखने, अपने स्थान को, क्योंकि माता एकांत का एकांत वासा करने वाली होती हैं और वो सारे लोगों को छोड़ के अपना और यहाँ आके अपने मंदिर में। आप पहले से ही आगमन इनका हो चुका है और इनकी रथ यात्रा आ रही होगी इनके पीछे। तो दोस्तों आज हम इस मंदिर प्रांगण में आए हैं जहाँ पे पहलवान वीर बाबा का पहले से मंदिर था, स्थापना थी, और आज जो दुर्गा जी की यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, आज हम यहाँ के जो भक्तराज है आज हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आज दुर्गा जी की जो स्थापना हो रही है उसके बारे में। हम यहाँ प्रयागराज लूकरगंज के पहलवान साहब के भक्तराज हैं और यहाँ आज उन्हीं की कृपा से इस मंदिर में माता का स्थापना हो रहा है और इन्हीं के कर कमलों के द्वारा और माता का यात्रा अभी निकल चुका है और अभी वो थोड़ी ही दूर में घूम के आएंगी तो यहाँ पे माता का स्थापना हो जाएगा। और इसके साथ साथ चाहते हैं कि हम सारे भगवान, संसार के सारे लोग माता का दर्शन करने यहाँ आएं और इसके साथ साथ भक्तराज के नमो नारायण कि जय हो। बाबा अरविंद दास यहाँ के मेन पुजारी थे जो स्वर्गवास हो चुके हैं।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे माँ दुर्गा की शोभा यात्राएं आ रही हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज यहाँ पे इस मंदिर पहलवान वीर बाबा मंदिर में माँ दुर्गा की जो स्थापना हो रही है, आइए हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं माँ दुर्गा की जो स्थापना हो रही है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी बोल साचे दरबार की जय। आज हमारे ये लुकड़गंज के प्राणगढ़ मंदिर में आज माता रानी की स्थापना हुई है, जो बड़े भाग्य से होती है। और इतने सारे भक्तगण आए हैं जिन्होंने अपना अपना सहयोग भी दिया इस मंदिरों में, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि जितना भी सहयोग मिला बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो मंदिर है बहुत अच्छे से हुई है। तो बस बोलिए जय माता दी, जय माता दी। पहलवान बाबा की मंदिर है लुकड़गंज में, हमारे यहाँ पे दुर्गा जी की स्थापना हो रही है। हम लोग सब भक्तगण साथ में कलश यात्रा के साथ निकले, हर्ष उल्लास के साथ आए, उनकी स्थापना बहुत खुशी मन से किया जा रहा है। सारे भक्तगण बहुत खुश है, हर्ष उल्लास बहुत किया उन्होंने, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा है। दोस्तों जैसा अभी तक आपने माँ दुर्गा के दर्शन किए और आपने कलश यात्राएं देखी, शोभा यात्राएं देखी, दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।